गिर चुका है। ये देख लो दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ठीक है। ठीक, हम लोग को ये देख सकते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर भोले बाबा का ये बड़ा सा मूर्ति है। ठीक, ये हम लोग बाहर निकले, ये उत्तर रेलवे हरिद्वार से हम लोग एग्जिट होंगे, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से आपको चार धाम का बस का टिकट मिलेगा। ये रहा हरिद्वार रेलवे स्टेशन, यहाँ से ठीक आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के ही एकदम ये जो रास्ता है एकदम स्ट्रेट सीधा जाना पड़ेगा। सीधा जाने के बाद वहाँ पे सामने बस स्टॉप मिल जाएगी आपको, जहाँ पे एकदम जेन्युइनली भाड़ा है 550 रुपया सोनप्रयाग के लिए। मैं दिखा दूंगा आप लोग को सब कुछ, पूरा डिटेल दे दूंगा। यहाँ से एकदम सीधा चलना है आप लोग को। किधर देखिए, होटल अशोका, वो हम लोग का स्टेशन उधर, होटल अशोका। इधर से हम लोग को स्ट्रेट जाना पड़ेगा अभी सीधा। गाइस, आप लोग को जो एक ज़रूरी बात बतानी है वो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जब ट्रेन से उतरिएगा उसी टाइम हरिद्वार स्टेशन से राइट एकदम स्ट्रेट सीधा आके आने के बाद यहाँ पे एक जगह है, वहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी बस की, अवेलेबल है। पहले आप लोग टिकट काट लीजिए, उसके बाद अपना होटल बुक करके स्टे कीजिएगा, उसके बाद सुबह सुबह आके अपना जिस टाइम पे बस है उस टाइम पे बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बस बहुत है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अवेलेबल आपको बस मिल जाएगी यहाँ पे। ये रहा वो लोकेशन, मैं बार बार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इसी जगह पे आप लोग को आना है चार धाम के लिए, एकदम जेन्युइनली भाड़ा मिलेगा बस, बस की एकदम जेन्युइनली भाड़ा मिलेगी। ये इसी, ये जो बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आना है कि हरिद्वार। तो 550 में मिल जाएगी आपको सोनप्रयाग तक की यहाँ से बस। यहाँ पे और भी बहुत सारी है, पर वहाँ पे 800-900 आपकी बोलेगी बस की भाड़ा, तो वहाँ पे मत जाना। जो मैंने बोर्ड दिखाया है उसी बोर्ड पे आना, एकदम जेन्युइनली 550 में मिल जाएगी आपको सोनप्रयाग तक की। मोटे पन्ने दा रेनकोट ये जो बस खड़ी है ये बद्रीनाथ जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ की बस भाड़ा है 670 रुपया। बस भी बहुत अवेलेबल है, बहुत सारी बस है यहाँ से जाने के लिए। बस आप लोग जब भी ट्रेन से उतरो सबसे पहले आके यहाँ पे जो मैंने देखा है GMO, वहाँ पे आके आपको सबसे पहले टिकट काट लेना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बद्रीनाथ की बस हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए 670 रुपया भाड़ा है ये बस की। आप देख सकते हो सीट भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। अरे वो गोल गोल सवारने के लिए धक्का खा रहा है। बस की सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को जर्नी करने में। केबिन में भी यहाँ पे सीट मिल जाएगी बैठने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा गाइड करूंगा ताकि आप ये वीडियो देख के आप आ सको केदारनाथ यात्रा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस भाई का थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बसें यहाँ बहुत सारी अवेलेबल है। भारत सेवा संघ संघ इसी में हम लोग रुके थे, मात्र एक नाइट का 600 रुपया लिया था।
आप लोग एकदम हरिद्वार स्टेशन से निकल के राइट साइड, एकदम राइट हैंड स्ट्रेट सीधा आगे ये वाला भवन आप लोग को मिल जाएगी। नहीं सर, पैदल जाएंगे सर। दोनों नाश्ता करने के लिए उतरे, देख सकते हैं। अभी हम लोग दोनों भाई नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के लिए देखिए हम लोग का नाश्ता है। इतना खूबसूरत जगह, मतलब क्या बताएं, जो भी बोलू सबका। थोड़ा बड़ा हो सकता है पर स्किप मत करना, क्योंकि कभी कभी हम लोग बादल के ऊपर और बादल हम लोग का नीचे आ चुका है, तो बहुत कुछ अच्छा मजेदार है। देखिएगा, मस्ती करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, भाई को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और प्यार दीजिए बहुत। ये देखिए हम लोग पीछे आने जा रहा है। आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है रास्ता में, ना कोई पहाड़ वहाड़ गिरा हुआ है, ना कुछ, सब सफा करके रखा है। अभी हम लोग का जर्नी शुरू हो गया है हरिद्वार टू केदारनाथ। बीच में आपको बहुत सारा हरियाली दिखाया जाएगा, ठीक है, आप बस मजा लेते रहिए। लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए और साथ में बहुत सारा प्यार दीजिए।
गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर देखना जरूर, क्योंकि वीडियो में ऐसा ऐसा चीज़ है देख के आप लोग को डर लग जाएगा। देखो गाइस यहाँ पे ट्रक गिर चुका है। अपना बस को छोड़ चुका हूँ फिलहाल, खड़ा है वहाँ पे, नहीं पता रुकेगा कि नहीं हम लोग के लिए, पर हम लोग आ चुके हैं दौक के आप लोग के लिए कंटेंट बनाने के लिए। गाइस ऐसा वीडियो कोई नहीं बना सकेगा, कोई यूट्यूबर नहीं, ऐसा वीडियो कोई यूट्यूबर नहीं बनाएगा जो हम लोग बना के आप लोग को भेज दे रहे हैं यूट्यूब पे। पहाड़ टूट चुका था इसलिए हम लोग फिलहाल एक घंटा तक रुक रहे थे। जैसे भी आप पहाड़ से उठाए थे पहाड़ का चट्टान गिर चुकी थी यहाँ से, वहाँ से बहुत सारा जेसीबी, कम से कम 10-12 जेसीबी आया है, अभी तुरंत तुरंत सब कर रहे हैं। Thank you.
फाइनली अभी सोनपैक पहुंच चुके हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग गाड़ी पार्किंग करने का यहाँ पूरा व्यवस्था है। ठीक है गाइस, गाड़ी पार्किंग करने के लिए यहाँ पे सब बाइक पार्किंग। ये सोनपैक की बाइक पार्किंग है, यहाँ पे आप लोग बाइक पार्किंग कर सकते हैं। इधर खूबसूरत नजारों को देखते हुए और बारिश में भीगते हुए सकते हैं गाइस, ये सोनपैक है। बहुत सारी होटल मिल जाएगी यहाँ पे आप लोगों को, कोई होटल का इशू नहीं मिलेगा। सोनपैक में आप लोगों को 2 से 2500 तक के बीच में होटल मिल जाएगी। अभी हम लोग सोनपैक में आ चुके हैं, फाइनली हम लोग का होटल भी मिल चुका है। और आपको दिखाते हैं जहाँ से गेट बंद हो चुकी है। बहुत खूबसूरत जगह है भाई सोनपैक, जितनी खूबसूरत जगह है उतना ही खूबसूरत ठंड भी है। आपको सोनपैक से ठंड लगने लगेगी। हाँ जब ब्लॉक